वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज मैं एक अलग सा गेम खेलने जा रहा हूँ, जिस गेम का शायद नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन शायद कैनी वाइज आउट होगा जो भी है। लेकिन इस गेम को आप देख सकते हो, ये शायद जैपनीज या चाइनीज़ गेम है। ये गेम बहुत कम खेला जाता है शायद इंडिया में, लेकिन मैंने इसको डाउनलोड किया देखने के लिए कि किस तरह का गेम है। तो मेरे को इसमें ऐसा दिल लगा कि जैसे कि फ्री फायर और पबजी का मिक्स करके डाल दिया है, ऐसा लग रहा था मेरे को। तो भाई अगर आपको ऐसा लगे तो आपके मेडिएशन सोचे, वरना तो अलग सोचे, जो भी है सो है। तो भाई देखो, यहाँ पे हम उतर रहे थे, हम कैसल में जाने का कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मेरे को देखना था कि कैसल में होता क्या है इसमें। क्योंकि इस मैप का चालू करने में एक कैसल दिखता है, तो मैं उधर जा रहा हूँ। इस गेम के थोड़े कलर में कमी है बोल सकते हो, थोड़ा फीका फीका लगता है, लेकिन बाकी सभी गेम सही है। हाँ, अब एक चीज़ है कि इसमें गन का जो रिकॉल वाला सिस्टम है वो मेरे को कुछ खास नहीं लग रहा है, बहुत अजीब तरीके का है। शायद बोल सकते हो कि कभी हिलता नहीं है और कभी हिलता है, ऐसा वाला हाल है। उसको पता नहीं ठीक होगा कि नहीं। तो भाई देख सकते हो कि पेड़ उड़ ऐसा दिख रहा है और सूरज का रोशनी का रे दिखाई दे रहा है। हाँ, ये दिख रहा है भाई, मन पड़ेगा। तो भाई ये देखो कि बर्फ़ वाला इलाका में कुछ इसी तरह का घर होता है, लेकिन ये खाली वाला घर में है। हम इसके बाद कैसल में जा रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि इस गेम में इतना बड़ा मैप है कि आप चलते चलते गाड़ी चलाते चलाते थक जाओगे, बहुत बड़ा मैप है। तो कैसल ज़्यादा दूर नहीं है, आप देख सकते हो इसमें उछलता कैसे है, लेटता कैसे है। और भाई इसमें थोपड़ा अच्छा दिखना चाहिए, इस गेम का रूल यही है लगता है। तो इसमें जो रेड जोन था वो अलग कलर का है भाई। कैसल के अगल बगल स्नोफॉल हो रहा था शायद, क्या पता नहीं क्या हो रहा था। ये हवा चल रहा है देखो। हाँ, मानते हैं कि ये गेम थोड़ा सादा सा है, लेकिन जो है सो है, पर कोई कोई जगह में अच्छा खासा दिखता है डिज़ाइन। भाई यहाँ पे गार्डन ही गार्डन है। ये क्या है, क्या लगता है? मेरे को लगता है ये दारू है क्या। सीढ़ी इसके थोड़े अजीब से हैं, क्योंकि आप सीढ़ी पे जब चढ़ोगे तो बहुत स्पीड से ऊपर जाएगा, ऐसा वाला है सीढ़ी है ये। तो देख सकते हो ब्रो, ये है इसका कैसल। कैसल इतना भी खराब नहीं था, सही है। कूदने पे थोड़ा मोड़ा डैमेज होता है, ज़्यादा ऊपर से कूदोगे तो ज़्यादा हो सा है, लॉजिक सी बात है, लेकिन किसी किसी गेम में नहीं होता है ना, इसलिए बोल रहे थे। तो मेरे को एक गाड़ी मिल जाता है सर्कल में जाने के लिए, जगह ही ज़रूरी है भाई साहब, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा मैप है और आप चल के नहीं जा सकते, इतना बड़ा मैप पॉसिबल ही नहीं है। गलती से मैं सीट गलत पे बैठ गया, लेकिन इसका सीट जो चेंज करने का बहुत ही दिक्कत वाली बात है, सेलेक्ट करना पड़ता है इसमें, ये पबजी ऐसा नहीं है। तो मैं इस स्नो वाले इलाके से निकल के दिखाना चाहूँगा कि ये आखिरकार किस तरीका का दिखता है। तो मेरे को एक बंदा मिल जाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको उड़ा के मारने का। भाई इस गेम में मेरे को कोई कंट्रोल नहीं आता, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको मैं उड़ा देता हूँ। तो मैं यहाँ आगे बढ़ते हुए नज़ारे को मतलब स्कैन करते हुए, मैं कोई रोबोट तो नहीं हूँ, लेकिन
मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरीके का दिखता है ये बिल्ला का। इसमें मैप है जो, इसमें घास वाला एरिया भी दिया है, मतलब पेड़ वाला, और स्नो वाला एरिया भी दिया है, और लगता है मेरा मानसा और डिजर्ट वाला भी एरिया दिया है, मतलब सब चीज़ इलिविक की तरह मिला दिया है। बस बोल सकता है कि बहुत बड़ा मैप है। यहाँ पे एक बड़ा सा लेक है, इसके बाद ही बर्फ़ वाला इलाका ख़त्म होते हुए, मैं कमेंटेटर से बात क्यों कर रहा हूँ, जो भी तो ये भी उड़ गया, लगता है ये बोट होगा। पर इसमें पानी का क्वालिटी इतना ख़राब नहीं है, नॉर्मल सा है। और ये कौन सा इलाका है भाई, इसमें ऊपर से तो जापनीज दिखता है पर पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है इलाके के बारे में, मतलब इलाका बोल रहे हैं, मैं जैसे कि नाम, हाँ नाम मैं नहीं पढ़ा हूँ इसका। तो भाई इसके घर के अंदर में थोड़ा सादा सादा सा लगेगा क्योंकि टेक्सचर का लगता कमी है, लेकिन भाई हमको लगता है गेम बहुत अच्छा है, अगर आप खेलना चाहो तो खेल सकते हो। तो ब्रो ये एक बॉट मिला, इसको भी मैंने मार दिया। भाई इसको मैं मारता हूँ जब मैं, तो चमकता है जैसे कि आग जल रहा हो उस तरह का चमकता है। तो ये घर इस तरह का डिज़ाइन है और इसमें आइसक्रीम लिखा हुआ था, मेरे को लगा कुछ ब्रांडिंग व्रांडिंग होगा लेकिन था नहीं। ये आप देख सकते हो, इसमें खिड़की का शीशा फोड़ने का एनिमेशन दिखा था इस तरीका से ही, मतलब दोनों का एक साथ फूटने का दिखाता है। तो आप जब अगर फील्ड में आओगे तो ऑब्वियस लगेगा क्योंकि घास उस वैसा ही है और पेड़ भी कुछ उसी तरह का दिखता है। अगर पुराना पबजी खेल जाओगे तो उसमें भी कुछ इसी तरह का पेड़ हुआ करता था, मतलब थोड़ा कलर इस तरह का। तो मैं इस जोन के अंदर तो आ गया हूँ, नहीं नहीं मैं जोन के अंदर फिर से घुस गया हूँ, क्या बकवास है, लेकिन मैं निकल जाऊंगा और आगे मेरे को बंदे भी मारने हैं। अरे मारता हूँ, मैं इसमें इतना प्रो तो नहीं हूँ पर कोशिश किया था मारने का और मैं इसमें फर्स्ट रैंक पे आया भी। अगर आप बने रहोगे मेरे वीडियो के साथ तो आप देख सकोगे कि मैं क्या क्या किया हूँ। भाई मजाक ही कर रहा था लेकिन किया था हूँ। वैसे भी कुछ खास रैंक में नहीं हुई मैं इसमें, तो नॉर्मली बंदे आते हैं भाई, ये तो कुछ ज़्यादा नॉर्मल था, लेकिन जो भी था आगे बंदे हैं बहुत भयानक भयानक मैंने मारे। तो बार देख सकते हो ये बग्गी ऐसा गाड़ी मिलते हुए मेरे को, लेकिन ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा लग रहा है बग्गी से, मतलब पबजी वाले बग्गी से। और ये थोड़ा स्लो भी लग रहा है चलने में। तो भाई मेरे को आगे भी एक बंदे मिलते हैं जो आ रहा था तो इधर से फायरिंग मेरे को कर रहा था, डैमेज मेरे को बहुत अच्छा खासा कर दिया था, पर मेरे को कंट्रोल नहीं हो रहा था ये स्कोप, तो मैंने जैसे तैसे करके उसको डैमेज दिया और मारा दिया। तो भाई ये लगता है ये गन पावरफुल था इसलिए मर गया। आगे मेरे को और भी एनिमीज मिलते हैं, अभी फायरिंग आ ही रहा था तुरंत ये भी आ गई, तो मैं इसको थोड़ा कैम करके मार दिया।
और फिर मैं सर्कल में जा रहा था तो ये मारने लग गया मेरे को, लेकिन मैं इसको भी दे दिया था, ख़त्म कहानी इसका हो गया था। और ये मैंने उधर देखा कि ये पेड़ से आँख निकल के सर आया, तो मैं जोन जाने के बजाय मैं वो चीज़ देखने के लिए चला गया कि वो क्या है तो है क्या। ये जो मैं चला रहा हूँ ये M4 है, लेकिन भाई रिकॉल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है उतना, और कभी कभी रिकॉल झटका वाला आ रहा है, ये कुछ अजीब सा है। इस आँख पे चल रहे हैं तो जल तो नहीं रहे हैं, लेकिन ये देखने का समय नहीं था मेरे पास कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि जोन आ गया था और उसके बाद मैं जाने लग गया सर्कल। मैंने उसको मारने की कोशिश किया लेकिन वो ज़्यादा दूर था। तो मैंने इसको मार दिया। भाई यहाँ पे एक बंदा लूट रहा था, शायद ड्रॉप लूट रहा था, तो मैंने उसको अचानक से धप्पा कर दिया। ये ड्रॉप का ही ना स्मोक था कि क्या चीज़ का स्मोक था पता नहीं, लगता है ये खुद का स्मोक किया था, ग्रेनेड वाला, लेकिन जो था मेरे को नहीं पता सही बात। नो क्वास, ये बंदे मेरे पे शायद स्नाइपर चला रहा था, मैंने बच गया बहुत अच्छा तरीका से और फिर इसको भर दिया। वैसे मैं ये गेम दिखाने के लिए बना रहा था कि ये किस जगह का है, लेकिन इसमें मैंने अच्छा खासा किल भी किया, इसलिए मैं बोल देता हूँ कि भाई वो समझ लो गेम प्ले भी है, लेकिन बोल सकता है कि लो रैंक में है हम, इसमें उतना मतलब ज़्यादा रैंक नहीं है इसमें। तो भाई आखिरी बंदा मेरे से मतलब दो बंदे बचे थे, एक तो ये था इसको मैंने भर दिया, दूसरा बंदा मेरे को, आखिरी बंदा मेरे को बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा डैमेज किया था, मैंने काट दिया है लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज करते रह रहा था, और फिर मैंने इसको भी भर दिया। तो भाई अगर ये गेम प्ले आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना ब्रो। भाई सब इसको मैंने कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैं इसको बहुत बार खेला तो फिर मैंने सेंसिटिविटी थोड़ा बहुत सेट किया, तब जाके मैं इसको खेल पाया। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक लिए बाय बाय, मिलता हूँ कोई अगला गेम में, या भी अगर इसमें अच्छा व्यू आया तो मैं इसको वापस से खेलूँगा, लेकिन इसमें तो कोई गारंटी नहीं ना मेरा, क्योंकि मेरा चैनल तो बहुत छोटा है। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पहुँचा हो तो थैंक यू। और ये आया हेलीकॉप्टर और मेरे को एक मिल गया ट्रॉफी, ये थोड़ा अजीब सा है लेकिन जो है सो है। तब तक लिए बाय बाय, मिलते हैं, टाटा। और मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ दिखाने के लिए कि भाई थंबनेल में लगाने के लिए स्क्रीनशॉट लेना ज़रूरी है ना। तो बाय बाय, यहीं तक था इस वीडियो का साथ।